अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं हबीब पहलवान के नाम से समोसों का स्टॉल लगाता हूँ शोरगढ़ शहर में। तकरीबन 50 साल हो गए हैं, पहले वालद थे, फिर उसके बाद हम सारे भाई हैं, ये स्टॉल लगाते हैं। यहाँ पर हम समोसे, पकोड़े और टिक्कियाँ टेस्ट करवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेल होने वाले हमारे पास समोसे हैं। समोसों में ख़ास बात यह है कि हम इसमें आलू अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करते हैं और मसाला ज़्यादा डालते हैं, और मसाला बिल्कुल सादा होता है, जो ज़्यादा नमक मिर्चें तेज़ नहीं होती। हम तीन किस्म की चटनियाँ डालते हैं, जिसमें नमकीन रहता, मीठी चटनी इमली आलू बुखारे वाली, और चने होते हैं। तकरीबन हम सुबह अज़ानों के वक्त उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ के ये काम स्टार्ट कर लेते हैं। काम स्टार्ट करने के बाद हमें तकरीबन 10 बजे से घर से रेड़ी निकाल लेते हैं अपना ठेला, और यहाँ पे लगा लेते हैं, और शाम 5 बजे तक ये ठेला यहीं पे होता है। हम पहले तो 35 का देते थे, अब 40 का किया हुआ है महंगाई की वजह से। हमारे तकरीबन शोरकोट के ये जो आस पास के इलाके हैं, वहाँ से सभी आते हैं समोसे टेस्ट करने के लिए और खाने के लिए। हमारी शॉप पे आए, समोसे खाएं, और अगर समोसे अच्छे ना लगे, हम उनको पैसे भी देंगे और उनका किराया भी वापस देंगे। चार साल से यही वजह है कि हम अपने ये वालिद के मसाला जाते हैं, जो हमारे वालिद ने बताए हैं, हम वही अपने वालिद वाला मियार अख्तियार कर रहे हैं और वही मियार हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यही ख़ास वजह है कि जो हमारे पास इतना ज़्यादा रश रहता है, हमारे वालिद की मेहरबानी है जिन्होंने ये हमें काम सिखाया। हमारे ठेले का नाम है हबीब समोसे वाला, और नज़दीक है मदनी मस्जिद के करीब हमारी रेड़ी होती है, जहाँ पे हम लगाते हैं। आइए हम अपने समोसे टेस्ट करवाते हैं, हम कैसे कस्टमर को ये बना कर देते हैं प्लेट। ये हमारा मसाला है, हम ये जो मसाला है समोसे में ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा समोसा ज़्यादा सेल होता है। नित नए और मज़ेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें।